भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खलीफाबाग चौक स्थित रामेश्वर टीवीएस शोरूम के मालिकों के बीच प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। टीवीएस शोरूम के मालिक के छोटे पुत्र की पत्नी श्वेता सिंघानिया ने अपने ही जेठ विनय सिंघानिया, निक्की सिंघानिया और उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी सिंघानिया पर संपत्ति विवाद में घर में बंधक बनाकर मारपीट करने, जेवर और मोबाइल छीनने का आरोप भी लगाया। चेन गला का छीन लिया निक्की सिंघानिया। निक्की सिंघानिया कौन है? मेरा जेठ है, बड़ा जेठ। मुझे मारा, लात लात खींचे, गिरा के खूब मारा है। अच्छा, आपके साथ मारा? पूरा मारा। ये पुलिस से अभी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ मामला नहीं था। अभी मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास फोन मेरा है, उसमें मैंने वीडियो लिया है। मैं सबको दिखा सकती हूँ वीडियो, उसमें मुझे कितना मारा गया है। मेरा फोन दिलवाइए, मैं दिखा दूंगी वीडियो। आई मेरा ऊपर रूम में ताला बंद था, ताला खोल के मैं जैसे अंदर घुसने लग गई, निक्की सिंघानिया, लक्ष्मी देवी सिंघानिया और बिना कुमार सिंघानिया, तीन दो जेंट्स और एक लेडी मिलके मेरे को बाल बाल खींच के नीचे देके धक्का गिरा दी, धक्का देके गिरा दी और मारने, लात लात से निक्की सिंघानिया मारा, मॉलेस्ट भी किया निक्की सिंघानिया मेरे को। मत आओ अंदर, भागो यहाँ से। फिर मैंने ना, मेरे हाथ में ताला था, डिफेंस में मैंने कुछ किया, हाथ में चलाया तो हो सकता है उन लोगों को लग गया हो, बट अपने आप को बचाने के लिए। और मुझे बोला फेंक देंगे उठा के, मेरा दुपट्टा वहाँ फेंक दिया, ऐसे दुपट्टा वपट्टा सब मेरा उठा के, और फिर मुझे रूम में बंद कर दिया, ताला मार दिया, धक्का मार के मेरा फोन छीन लिया। अभी पुलिस गई थी ना आपके पास? हाँ, पुलिस खुलवाई गेट। अच्छा, पहले पुलिस गई थी उसके, अभी ना खुलवाई? पहले नहीं गई, अभी ये लोग आए थे, वो तीनों बैठ खड़े बोले कि मैनेज हो गया, बोल रहे कुछ नहीं हुआ था। नहीं पता, मेरा फोन छीन लिया ये लोग, प्लीज मेरा फोन दिलवा दीजिए। फोन छीना और मेरा चेन गला का छीन लिया, निक्की सिंघानिया, गला का चेन और मेरा फोन। मेरा जेठ है, बड़ा जेठ, मुझे मारा, लात लात खींचे, गिरा के खूब मारा है, कमर में पूरा मारा। पुलिस से अभी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ मामला नहीं था। अभी मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास फोन मेरा है, उसमें मैंने वीडियो लिया है। मैं सबको दिखा सकती हूँ वीडियो, उसमें मुझे कितना मारा गया है। मेरा फोन दिलवाइए, मैं दिखा दूंगी वीडियो। सुमित सिंघानिया फोन किए वहाँ से कि ऐसे ऐसे हमारे पत्नी को मार के वहाँ पर किडनैप कर रखा है, वहाँ रूम में। तो हम लोग चूंकि मित्रता है तो उनके पास आए कि भाई चलिए हम लोग आते हैं, मैटर को क्या है। आए तो यहाँ देखे तो उनका बेटा लोग भी विरोध किया, बोला तुम लोग बाहर जाओ, यहाँ से कौन है। तो हम लोग तो कैमरा में है, जो कि हम लोग आए पूरा कैमरा में है सब चीज़। क्या किए आप? हम फिर प्रशासन को फ़ोन किए। क्या देखिए यहाँ देखे, यहाँ पूरा बंद था, उन लोगों ने उनका कुछ गलत आदमी अंदर रखे हुए हैं, वो लोग अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा था कि यहाँ कोई नहीं आएगा, और फिर उनको मार पीट के वहाँ पर अंदर बंद कर रखे हैं, उनका स्टाफ को भी मार के बंद किए हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ विनय कुमार राय। भागलपुर के इसाक्षक थाना क्षेत्र इलाके से तेलंगाना पुलिस ने लोन ऐप से 2000 करोड़ की हेराफेरी करने वाले इंजीनियर हेमंत झा को इसाक्षक के बिसरी स्थान के समीप से गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया। दरअसल हेमंत ने लॉकडाउन में बेरोजगारी का फायदा उठाकर ऐप के माध्यम से तेलंगाना के कई किसानों को लोन का झांसा देकर करोड़ों की ठगी कर ली। इससे आहत हो कई किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। आपकी निजी जानकारियां नहीं मांगता है। यदि आपके पास कोई फ्रॉड कॉल आता है जिसमें आपका बैंक नंबर, ATM कार्ड नंबर इत्यादि चीज़ें पूछी जाती है और आपसे आपका OTP मांगा जाता है, तो बिल्कुल उस कॉल का जवाब ना दें, क्योंकि देर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। आपको अगर कोई इस तरीके का प्रलोभन देता है कि आप लॉटरी जीत चुके हैं, आप इतना पैसा दीजिए, आप सस्ते रेट पर कर्ज लीजिए, उन माध्यमों पर ना जाए। जो भी सरकारी चैनल है लोन लेने के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए, उन्हीं का प्रयोग करें। थाना में साइबराबाद जिला में बशीराबाद थाना के अंतर्गत एक कांड 6/2021 दर्ज हुआ था। इस कांड में एक अभियुक्त जो एक कंपनी का डायरेक्टर बन के गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐप बना करके लोगों को लोन दिया करता था। इस लोन के माध्यम से वो सपोज 50,000 की राशि देता था तो अंतिम में खाते में 50,000 से कम यानी कि 28,000-30,000 रुपये आते थे, और फिर वो इन लोगों को रंगदारी मांगने के नाम पर या ज़बरदस्ती वसूली के नाम पर तंग करता था। इसी को लेकर के कई लोगों ने आत्महत्या की थी और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। उसी मामले में हम लोगों ने तेलंगाना पुलिस के साथ कार्य करते हुए इस व्यक्ति को, जो हेमंत झा नाम है, इसाक्षक थाना से गिरफ्तार करके भेजा है। सर, कौन सा ऐप था? गूगल प्ले स्टोर पे कई तरीके के ऐप जैसे फ्लैशबैक, लकी वैलेट, रूपी प्लस, प्लस पैसा, मोटा पैसा या अन्य इसी तरीके के नाम की फर्जी कंपनियां चल रही थी। सर,
कई किसानों से परेशान होकर के कुछ लोगों ने आत्महत्या की थी, इसी से विधि व्यवस्था समस्या उत्पन्न हुई थी। इसी मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत इशाकचक थाना एवं DIU ने काम को अंजाम देते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर तेलंगाना भेजा है। सर, इस मामले में टोटल दर्ज कांड एवं टोटल राशि, इन दोनों का पता लगाकर शीघ्र आपको बताया जाएगा।